अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम करते हैं आपको मेरे चैनल पे एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं आलू मटर वाले चावल, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने तेल डाला, तेल डाल के तो मैंने उसमें प्याज शामिल कर दिए। अब मैं इनको कर रही हूँ फ्राई। जैसे ये थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो फिर हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकालना, सो मैं इनको हल्का सा जो है ना गोल्डन करके आधा चम्मच और एक चम्मच नमक साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच कुटी लाल मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये आधा किलो मटर है, ठीक है, आधा किलो मटर। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आधा किलो आलू। भुनेंगे इसको। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच भुना हुआ जीरा। इसको भूनेंगे। दस मिनट हो गए मुझे इसको भूनते। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। पानी शामिल करने के बाद अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी ताकि आलू और मटर जो है ना वो अच्छे से पक जाएं। फिर मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। इसको मैंने ढक दिया। अब इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना वो ढक के पकने दूंगी। मटर और आलू हमारे जो है ना वो पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल मैंने शामिल कर दिए। अब हम इनको पकने देंगे। ये बस ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब हम इनको दम लगाएंगे
और उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। चावल मेरे बिल्कुल तैयार है, ये इनकी फाइनल लुक। तो आप भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसे बने। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।